नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक 33x11 के भी सब स्टेशन में जो ऑपरेटर होते हैं उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों एक सब स्टेशन ऑपरेटर का काम बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण भरा होता है। एक सब स्टेशन ऑपरेटर को सब स्टेशन के अंदर लगे सभी उपकरणों की जानकारी रखनी पड़ती है। कौन सा उपकरण कहाँ और क्यों लगा है, इसकी क्लियर जानकारी सब स्टेशन में काम करने वाले ऑपरेटर को होनी चाहिए, क्योंकि सब स्टेशन में कुछ भी काम आ जाए उसे संभालना ऑपरेटर को ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक सब स्टेशन ऑपरेटर को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो पहला है दोस्तों, सब स्टेशन में जितने भी 11 केवी के ब्रेकर्स लगे होते हैं उनको ऑपरेट करना, और इसके साथ ही जितने भी 33 केवी के ब्रेकर्स लगे होते हैं उनको कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करना एक सब स्टेशन ऑपरेटर का पहला और मेन काम होता है। तो दोस्तों नंबर दो, सब स्टेशन में जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग फीडर्स होते हैं उन पर कितना लोड है, अर्थात एम्पियर रीडिंग कितनी है, इनकमिंग और आउटगोइंग वोल्टेज कितना है, इन सारे चीजों का रिकॉर्ड रखना एक ऑपरेटर का काम होता है। यह काम हर घंटे करना होता है, यानी कि हर घंटे इनकी रीडिंग लिखना होता है। नंबर तीन, अगर कोई फॉल्ट होने की वजह से कोई फीडर ट्रिप हो जाए तो कौन सा फीडर ट्रिप हुआ, क्या फॉल्ट आया, कितने बजे ट्रिप हुआ, रिले रिसेट करने के बाद कितने बजे चालू हुआ, इन सब को भी लिख कर रखना पड़ता है, और महीने भर में कितना इंटरप्शन हुआ इनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। नंबर चार, अगर कोई फीडर ब्रेकडाउन हुआ तो कौन सा फीडर किस फॉल्ट की वजह से ब्रेकडाउन हुआ, कितने बजे ब्रेकडाउन हुआ, इन सब का भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके साथ ब्रेकडाउन होने के तुरंत बाद ही कंट्रोलिंग ऑफिसर को फीडर ब्रेकडाउन होने की सूचना देना पड़ता है। दोस्तों अगर कोई फीडर ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस फीडर पर काम करने के लिए लाइनमैन के नाम पर एक परमिट वर्क पेपर इशू किया जाता है। यह एक प्रकार का परमिशन पेपर होता है। इस पेपर को लेने के बाद ही लाइनमैन लाइन पर काम कर पाते हैं। जब लोग लाइन पर काम करते हैं तो ऑपरेटर को बहुत ही ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है। जिस फीडर का शटडाउन या हैंड ट्रिप मांगा जाएगा उसी फीडर को बंद करना पड़ता है, या फिर जब चार्ज करने को कहा जाएगा तो उसी फीडर को चार्ज किया जाएगा। यहाँ किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय गलती से दूसरा फीडर शटडाउन हो जाए तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि इन सभी से बचा जा सकता है, लेकिन सही फीडर का शटडाउन या चार्ज होना ज़रूरी होता है, नहीं तो किसी की भी जान जा सकती है। नंबर पाँच, दोस्तों जब लाइन ब्रेकडाउन या शटडाउन रहता है तो नेचुरली उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाती है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से कंज्यूमर को सब स्टेशन में फ़ोन कर लाइन न रहने की वजह पूछते हैं। तो इस समय लाइन न रहने का सही कारण बताना और उनके जिज्ञासा को शांत करना एक सब स्टेशन ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। कभी कभी बहुत देर तक बिजली न रहने पर उपभोक्ताओं को थोड़ा झुझलाहट होता है, तो झुझलाकर वह बहुत कुछ बोल देते हैं। उस समय अपने दिमाग को शांत रखकर कंज्यूमर को अच्छी तरह से समझाना और अपने काम को भी करना एक सब स्टेशन ऑपरेटर को बहुत बड़ी चुनौती होती है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी सब स्टेशन से जानबूझकर बिजली नहीं काटी जाती है। जब लाइन शटडाउन या ब्रेकडाउन होता है तभी लाइन को काटा जाता है, या सब स्टेशन के अंदर कोई गड़बड़ी आने पर ही लाइन काटा जाता है, नहीं तो दोस्तों लाइन जानबूझकर नहीं काटा जाता है। हो सकता है दोस्तों कोई फॉल्ट आने पर लाइन ट्रिप हो जाए, लेकिन फॉल्ट दूर होते ही लाइन को चालू कर दिया जाता है और उपभोक्ताओं को बिजली मिलने लगती है। नंबर छः, सब स्टेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है बैटरी बैंक, क्योंकि दोस्तों ब्रेकर में जो रिले लगी होती हैं जो कि इस बैटरी के सप्लाई से ही काम कर पाती हैं, रिले किसी भी फॉल्ट को सेंस कर लेता है और फॉल्ट को सेंस करके ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। इसी प्रकार दोस्तों बिजली को सप्लाई बंद हो जाती है। दोस्तों ये जो रिले होती हैं वो 24 वोल्ट डीसी पर काम करती हैं, इसलिए बैटरी की वोल्टेज भी हमेशा 24 वोल्ट के ऊपर रहना चाहिए। यही कारण है कि दोस्तों हर घंटे बैटरी की वोल्टेज को रिकॉर्ड किया जाता है।
और उसे लॉग शीट में दर्ज किया जाता है। लॉग शीट सब स्टेशन में एक बड़ा सा पेपर होता है जिस पर इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके साथ साथ बैटरी की कंडीशन ठीक है कि नहीं वो भी जांच करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों हर एक दिन सभी बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी वोल्टेज मापी जाती है और उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। नंबर 7, दोस्तों हर घंटे पावर ट्रांसफार्मर की ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर की रीडिंग लेना भी एक SSO का महत्वपूर्ण कार्य होता है। नंबर 8, अगर दोस्तों ट्रांसफार्मर का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या आ जाती है, तो उस समय ट्रांसफार्मर के टैप को चेंज करके सही वोल्टेज को कंज्यूमर तक पहुँचाना भी एक सब स्टेशन ऑपरेटर का काम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक सब स्टेशन ऑपरेटर को क्या क्या काम करना पड़ता है वो दिखाने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें एवं द इन्फो इलेक्ट्रिकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।